Hey guys, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षदिति फ्रेंड्स और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे ये जो अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, जिसको हम लोग मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी या मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। देखिए, मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी ये जो हुई थी ना फ्रेंड्स, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि दो पर्सन जिनका आपने नाम सुना होगा, एक तो थे खुदीराम बोस, दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक है ना, इन्होंने कोशिश की थी कि ये जो उस समय पे मुजफ्फरपुर का जो आपका डगलस किंगफोर्ड जो कि जज था, मजिस्ट्रेट था उस टाइम पे, वहां पे उसको मारने की कोशिश थी। ठीक है ना, तो ये कोशिश के बाद जो ट्रायल हुआ था, जिसमें जिसको सजा दी गई इसके बाद, तो इस पूरे इवेंट को बोलते हैं आपका मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर बॉम्ब केस भी कह सकते हैं इसको, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था इसको हम देने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रायल्स चले थे ये अलीपुर सेशन कोर्ट कलकत्ता में चले थे मई 1908 से लेके मई 1919 तक। ठीक है ना, और इस इवेंट को किसने अंजाम दिया था ये मैंने आपको बताया, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो इस ये जब इवेंट हो गया ना, तो इवेंट होने के बाद जब इंटेलिजेंस की गई ना, तो इंटेलिजेंस से पता रहा कि इस तरीके के और इवेंट्स इससे पहले भी हुए थे, जैसे कि एंड्रू फ्रेजर थे। एंड्रू फ्रेजर आपको पता होगा वही जिनके अंदर पुलिस कमीशन बना था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो इन एंड्रू फ्रेजर एक ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो उस ट्रेन को डीरेल कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, पटरी से हटा दिया गया था। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज पहले भी हो चुकी थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिससे ब्रिटिशर्स को लग गया था कि ये सारी एक्टिविटीज आपस में कनेक्टेड है और इनका एक कितना कंबाइंड ट्रायल चला था, जिसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें एक्यूज थे, लेकिन उन एक्यूज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें बेसिकली हुआ क्या। ठीक है ना, अनुशीलन समिति का यह काम था, और अनुशीलन समिति की उस ब्रांच का काम था जो कि आपकी वेस्टर्न बंगाल में एक्टिव थी। ठीक है, वेस्टर्न बंगाल में जो एक्टिव ब्रांच थी उसके मेन पर्सन कौन थे, उसके मेन पर्सन थे आपके अरिबिंदो घोष। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये फ्रेंड्स की मुजफ्फरपुर जो बॉम्बिंग्स हुई थी ना, आपको पता है कि यार एक पर्सन था जिसका नाम था हेमचंद्र कनुंगो, तो बरेन घोष ने इस हेमचंद्र कनुंगो को पेरिस भेजा था ताकि वो एक निकोलस सफ्रांस की नाम के रशियन रेवोल्यूशनरी से बॉम्ब कैसे बनाया जाता है सीख क्या, ये मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में, तो वो बॉम्ब सीख क्या है तो उनको पता चला था कि बॉम्ब कैसे बनता है। अब बात आई कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है कि इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे, जो ब्रिटेन के ऑफिसर थे जो राज कर रहे थे यहाँ पे, जिन जो अपनी नोटोरिटी के लिए फेमस थे, तो उनमें से टारगेट सेलेक्ट किया जाने लगा कि किसको मारा जाए। तो सबसे पहले समझ में आया कि भाई ये जो आपका डगलस किंगफोर्ड है इसको पकड़ा जाए, क्योंकि भाई एंड्री फ्रेजर पे जो कि पुलिस कमीशन का हेड था उसको पहले उस पर अटेम्प्ट हो चुका था, तो वो अलर्ट हो चुका था, उसकी सिक्योरिटी काफी बढ़ गई थी, तो उस पर से ध्यान हटा के बोला गया कि भाई जो डगलस किंगफोर्ड है ना इसको मारते हैं। डगलस किंगफोर्ड उस समय पे चीफ मजिस्ट्रेट थे प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ अलीपुर के। ठीक है ना, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स लिए थे, जैसे भूपेंद्र नाथ दत्त का ट्रायल लिया था और जुगांतर नाम का जो एडिटोरियल था उसके ट्रायल लिए थे, और इनमें लोगों को बहुत रिग्रेस पनिशमेंट भी इन्होंने दी थी, तो इसलिए इनको टारगेट बनाया गया कि हाँ भाई डगलस किंगफोर्ड को मारना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए एक टीम बनाई गई जो टू मैन टीम थी, उस टू मैन टीम में थे आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, इनको एक बम दिया गया, वो कहते हैं ना कि जो बम सीख के आए थे वहां से आपके पेरिस से, तो पहला बम जो यूज इस्तेमाल किया गया, मैंने आपको पहले वीडियो बनाया गया था, वो इसी में इस्तेमाल किया गया जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस्तेमाल किया था, उसमें 6 ounces ऑफ डायनामाइट थे। ठीक है ना, तो हुआ ये कि यार पहले तो क्या है कि जो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे ना, तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो मुजफ्फरपुर नाम की जगह पे जहां पे डगलस किंगफोर्ड का घर था उसका पहले प्रॉपर सर्वे किया। अभी बात ये है फ्रेंड्स कि जब मैं मुजफ्फरपुर गया था तो मैं उस जगह पे गया, तो उस जगह पे क्या है ना कि आज की डेट में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के नाम का एक मेमोरियल बना हुआ है उनके ऑनर में, कि हाँ भाई इन्होंने इतना कहते हैं ना कि बोल्ड काम किया। उस समय पे उनकी उम्र 18-20 साल थी, बहुत ही कम थी उनकी उम्र, उस उम्र पे वो इतना बड़ा काम कर गए थे। तो अभी जब मैं वहां पे घूमने गया था, तो घूमने का मैं किसी काम से गया था, तो मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा यार मुजफ्फरपुर आए तो ये भी देखना चाहिए, तो मैंने लोकल्स वगैरह से बात की, तो वहां के लोकल्स को ज्यादा पता नहीं है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में। तो जब मैंने पूछा कि खुदीराम बोस का मेमोरियल कहाँ पे है, तो लोकल्स ज्यादा जानते नहीं थे इनके बारे में। फिर मैंने खुद ही आपका सर्च वर्च मारा, जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो देखा कि आज की डेट में जहां पे पहले जहां पे ये डगलस किंग्सफोर्ड रहते थे ना, आज की डेट में वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का घर है। तो अभी कभी आप अगर बिहार कैडर में आईएएस बनेंगे और कभी मुजफ्फरपुर के डीएम बन के जाएंगे, तो आप उसी जगह पे रहेंगे जहां पे डगलस किंगफोर्ड रहता था। ठीक है ना, उसके जस्ट सामने पार्क है और उसके उसके बगल में ही मेमोरियल बना हुआ है खुदीराम बोस का। ठीक है ना, तो उस पार्क का सर्वे किया खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने वहां पे उस पार्क का सर्वे किया। ठीक है, सर्वे करके पता करने की कोशिश की कौन से गेट से एग्जिट होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है,
अब हुआ क्या कि वहां का जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था ना, उसको इस बात की भनक लग गई कि डगलस किंगफोर्ड पर अटैक होने वाला है। उनकी लोकल इंटेलिजेंस में उसको खबर लगी होगी, तो उन्होंने डगलस किंगफोर्ड को इस बात के अलर्ट किया कि आप पे अटैक हो सकता है। डगलस किंगफोर्ड ने इस अटैक को बहुत सीरियसली, इस अलर्ट को बहुत सीरियसली लिया नहीं, ठीक है। फिर हुआ क्या कि देखो भाई, 29 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अपनी जगह पे थे कि हाँ भाई आज इस चीज को अंजाम देना है, आज हम मतलब खत्म कर देंगे डगलस किंगफोर्ड को, 29 अप्रैल 1908 को, ठीक है। मुजफ्फरपुर पार्क उन्होंने करी रखा था, देख रखा था किस टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो रात का टाइम था, तो वहां पे एक क्लब था, ठीक है, जहां पे उसी उनके मतलब रेजिडेंस के बगल में, ऑफिस के बगल में एक क्लब था, ठीक है। तो उस क्लब में अक्सर का डगलस किंगफोर्ड अपनी वाइफ और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आते थे खेलने के लिए, ब्रिज नाम का एक गेम था, तो उसके लिए, तो उस रात भी वो अपनी वाइफ के साथ ब्रिज खेल रहे थे वहां पे, और उनके साथ एक प्रिंगल कैनेडी करके लोकल बैरिस्टर की वाइफ और डॉटर भी खेल रहे थे। तो मतलब डगलस किंगफोर्ड थे, डगलस किंगफोर्ड की वाइफ थी, और उसके साथ साथ प्रिंगल कैनडी नाम के एक लोकल बैरिस्टर थे, उनकी वाइफ और डॉटर भी थे। तो सब लोग मिलकर ब्रिज खेल रहे थे। ब्रिज खेलने के बाद ये लोग दो कैरवा में चले, कहते ना कैरियर होता था इन लोगों का, जिस कैरियर में बैठ के लोग जाते थे, तो उस कैरियज में दो आइडेंटिकल कैरियज थे एकदम सेम। तो आगे वाले कैरियज में बैठे जो प्रिंगल कैनडी लोकल बैरिस्टर थे, उनकी वाइफ और डॉटर, और उसके जस्ट पीछे जो कैरेज आ रहा था ना, उसमें बैठे डगलस किंगफोर्ड और उनकी वाइफ। तो पहले वो कैरेज निकला जिसमें वाइफ और डॉटर बैठे थे, किसके, प्रिंगल कैनेडी के, और उसके पीछे जो आ रहा था उसमें डगलस किंगफोर्ड बैठे थे। तो जैसे ही पहला कैरियर निकला ना, उसके अंदर बम फेंक दिया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, और वो पूरी तरह से फट गया और बहुत बुरी तरीके से फैटली वाउंडेड हो गए ये दोनों, जो वाइफ थी और डॉटर थी आपकी प्रिंगल कैनेडी की, लोकल बैरिस्टर की, और उनकी मृत्यु हो गई। और लकीली डगलस किंगफोर्ड बच गया, अगर पहले कैरियज में वो निकलते डगलस किंगफोर्ड और उनकी वाइफ, तो शायद वो बच नहीं पाते, ठीक है ना। उसके बाद इस चीज को अंजाम देने के बाद बहुत सारा एकदम से कंफ्यूजन हो गया, और प्रफुल्ल चाकी और बोस अलग अलग, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी अलग अलग भागे, ठीक है ना, एक साथ नहीं भाग हुए, अलग अलग भागे। और हुआ ये कि जो आपका खुदीराम बोस थे ना, वो चलते चलते किसी एक वैनी नाम की जगह पर पहुंच गए, जहां से उनका मन था कि हमें कलकत्ता लेके, एक ट्रेन लेके कलकत्ता वापस निकल जाएंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ कांस्टेबल्स ने उनको देख लिया और पकड़ लिया गया, ठीक है, खुदीराम बोस को। चाकी क्या था कि उन्होंने एक अलग ट्रेन ली, ठीक है, उस ट्रेन पे बैठ के वो भाग रहे थे, लेकिन एक कांस्टेबल था नंदलाल बनर्जी के नाम का, जिसने कलकत्ता टेलीग्राफ करके उसकी आइडेंटिटी पता करके उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रफुल्ल चाकी अरेस्ट होने से पहले उसने अपने आप को गोली मार ली अपने मुंह के अंदर, और वो उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, चाकी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब ये जो जैसे ही इसकी न्यूज पहुंची कलकत्ता 1 मई 1908 को, एकदम से सबसे पहला शक किस पे आएगा, अरबिंदो घोष पे और बरिन घोष पे, क्योंकि भैया उस समय पे ये ग्रुप बहुत एक्टिव था, पॉलिटिकल टेररिज्म बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे था, और ये जो इलाका था ये वेस्टर्न अनुशीलन समिति के उसमें अंदर में आ रहा था, तो एकदम से इनके ऊपर शक आया कि इन्होंने सब कुछ किया है, ठीक है ना। और एकदम से भैया अरेस्ट होने लगा, डिपोर्टेशन होने लगा घोष ब्रदर्स का, ठीक है ना। फिर अभिनीश भट्टाचार्य को भी वो कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, हेमचंद्र दास को भी अरेस्ट कर लिया गया, सत्येंद्रनाथ बोस को भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना। और पूछताछ चालू हुई, पता करने की कोशिश करते रही, ये निकाला जाने लगा कि भैया कैसे हुआ, किस तरीके से इसको मतलब कहते हैं ना कि अंजाम दिया गया इस चीज को, ये सब चीजें होने लगी। अब उस समय पे क्या हुआ कि नरेन गोस्वामी करके एक पर्सन था, नरेन गोस्वामी ने क्या किया, वो अंग्रेजों की तरफ जा मिला और उसने इस चीज को बोला कि मैं कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ भाई ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने किया है ना, इसको अरबिंदो घोष ने मॉनिटर किया है, इसको अरबिंदो घोष और बाकी जो मेंबर्स हैं आपके वेस्टर्न अनुशीलन समिति की, इन्होंने इस चीज को मतलब पूरा प्लान किया है और एग्जीक्यूट करवाया है इन दोनों लोगों के थ्रू, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, उस समय पे अक्यूज्ड कौन कौन थे, अरबिंदो घोष थे, इनके ब्रदर थे बरिंदर घोष, बरिन घोष, और उसके साथ 37 और लोग इसमें अक्यूज्ड थे, ठीक है। तो इनका ट्रायल चल रहा था प्रेसिडेंसी जेल अलीपुर में, ये लोग बंद थे, और नरेंद्र नाथ गोस्वामी अप्रूवर बन गया था और क्राउन का विटनेस बन गया था, ठीक है। लेकिन भाई विटनेस देने से पहले और अपनी गवाही देने से पहले ही उसको मार दिया, किसने, कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस ने, जेल के प्रेमिसेस के अंदर ही उसको मार दिया गया। तो अब नरेंद्रनाथ गोस्वामी तो मर गया, और मरने के बाद वो क्राउन विटनेस एज अ क्राउन विटनेस अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाए जेल में, जिसके चलते एक बहुत स्ट्रांग केस अरबिंदो घोष के अगेंस्ट नहीं बन सका, ठीक है। अरबिंदो घोष के अगेंस्ट एक स्ट्रांग केस नहीं बन सका, हालांकि जो उनके ब्रदर थे बरिन घोष और उसके अलावा जो बाकी सारे लोग थे उनको कड़ी सजाएं मिली है, कुछ लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली, कुछ को छोटे सेंटेंस मिले, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल, किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट, लेकिन अरबिंदो घोष को बहुत ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिली, क्योंकि उनके खिलाफ कोई पोर्टेंट सबूत मिल नहीं पाया।
इसलिए उनको कम सजा मिली। और जब वो अपने सजा को खत्म करके वापस आए तो वो थोड़ा सा फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए और पौंडिचेरी जाके उन्होंने अपना एक आश्रम सेटल कर लिया। ठीक है, तो वेस्टर्न अनुशीलन समिति में अरविंदो घोष का जो इन्वॉल्वमेंट था वो कम हो गया और बाकी लोग जो ऑब्वियसली बात है अरेस्ट हो गए थे वो भी कम हो गए। तो उसके बाद एक लीडर उठ के आएगा वेस्टर्न अनुशीलन समिति में जिसका नाम है बाघ जतिन। और बाघ जतिन के आते ही ये जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति है इसका रीनेम करके इसको जुगांतर बोल दिया जाएगा और ये फिर से रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में एक बहुत मेन रोल प्ले करेगा। तो ये पूरा था आपका मानिकटोला कॉन्स्पिरेसी। तो मानिकटोला कॉन्स्पिरेसी के बाद ही जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति थी इसका सेंटर था कलकत्ता, इसमें बाघ जतिन बहुत तेजी से उठेंगे। तो मानिकटोला कॉन्स्पिरेसी के बाद ये हुआ था, इसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते थे। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो ये था पूरा चीज फ्रेंड्स। अगर कभी भी मुजफ्फरपुर जाइए, आप लोग बिहार के लोग तो गए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, और कभी अगर आपको मौका लगे मुजफ्फरपुर जाने का तो जाके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को मेमोरियल को देखिए। कुछ बहुत खास नहीं है, एक बहुत छोटा सा मेमोरियल बना रखा है, मैं वहां पे गया था, उनकी वहां पे एक मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, उसके जस्ट सामने ही आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, तो अच्छा लगेगा देख के अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर कोई कमेंट हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोई नोट्स के फॉर्म में आपको सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक कहानी के फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आप इंटरेस्ट के साथ सुने, और बहुत छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।